प्राइवेट बसों को परमिट देने के विरोध में धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों का आज सातवां दिन है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 22 विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते बिजली, पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सेवाएं भी अब प्रभावित होने लगी हैं। परिवहन व्यवस्था पहले से ही बुरी तरह चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार है कि अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार रोडवेज विभाग को निगम के अधीन करना चाहती है, जो कर्मचारी कभी नहीं होने देंगे। आज के दिन हरियाणा के सभी संगठनों ने हरियाणा रोडवेज की हड़ताल का समर्थन दिया है। रोडवेज की बसों की हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट बस वाले मनमानी करते हैं, यात्रियों से ज्यादा किराया लेकर सरेआम लूट मचा रहे हैं, छात्रों को भी बस में नहीं बिठाते। ऐसे में प्रदेश की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक से K9 मीडिया के लिए विकास ऑनलाइन की रिपोर्ट। लड़ाई है और रियासती तो रोडवेज का कर्मचारी नहीं मिटने देगा। साथियों, इतिहास गवा रहा है, अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाया करते हैं। साथियों, कर्मचारी जिंदाबाद, सरकारी शक्ति जिंदाबाद, हमारा सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, धन्यवाद साथियों। हमें ये पता चला था कि अभी वार्तालाप के लिए बुलाए गए हैं जो यूनियन के अपने स्टेट के प्रधान पदाधिकारी वगैरह हैं, उसके बाद क्या बातचीत रही उसके बारे में हमें कोई वो नहीं नॉलेज। अभी बैठे हैं स्ट्राइक पे, यहाँ पे तो है नहीं, बस स्टैंड के अंदर तो है नहीं, ना कोई कर्मचारी अभी ड्यूटी पे आया। बिरमुंडाल सरो कर्मचारी संघ डिपो प्रधान तालमेल कमेटी सदस्य। बताएं, चंडीगढ़ में कल वार्ता थी, क्या रहा उसका? चंडीगढ़ में वार्ता हुई, हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम था, 720 बसों का जो हायर का जो फैसला था उसे रद्द करके सरकार बातचीत के लिए बुलाए। सरकार अपने वायदे से मुकर के बाएं दाएं की बातें करती रही और जो है ना इस बात पर सहमति नहीं थी। वो इस विभाग को एक गुप्त एजेंडे के माध्यम से निगम बनाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, जो कि रोडवेज का कर्मचारी किसी भी सूरत पर इसको सहन नहीं करेगा। हरियाणा सरकार उत्पीड़न की कार्रवाइयों से इस सरकार को, इस आंदोलन को बंद करना चाहती है, दबाना चाहती है, लेकिन मेरा ये इस सरकार को बता देना चाहता हूँ, जितनी उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ ये सरकार करेगी उतनी ही जो है ना हमारा आंदोलन तेज होगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में जितने भी जनसंगठन हमारे समर्थन में आ चुके हैं, चाहे पंचायतें हैं, चाहे और खाप पंचायतें हैं, और कर्मचारी महासंघ ने पूरे प्रदेश के अंदर उनसे जुड़े जितने भी संगठन हैं उन्होंने ऑलरेडी घोषणा कर दी है, आज वो हमारे समर्थन में पूरे कर्मचारी हड़ताल पर है। प्रधान जी, बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट बसें किराया भी ज़्यादा ले रही हैं। ये किराया ही ज़्यादा नहीं ले रही, मन मर्जी का काम कर रही हैं, जब चाहे जब चलती है, जब चाहे जब नहीं चलती। अच्छा, आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, हम हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन सरो कर्मचारी संघ है, उसके संपर्क में है, उनके साथी अब हमें एड्रेस करने आ रहे हैं, वो सारे विभागों की मीटिंग करके शाम तक वो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हमारे समर्थन में चक्का जाम करेंगे। शमशेर सिंह। हाँ जी, बताएं क्या दिक्कत है शमशेर? ये प्राइवेट बस वाले किराया ज़्यादा लेने लग गए हैं अभी से। क्या, कैसे? ये मैं पोलिस से बैठा था और रोहतक के 20 रुपये लगते और इन्होंने 25 रुपये की टिकट काटी है और कहा कि इतने ही लगेंगे। और आपने कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत तो मैं गया था बस स्टैंड पर, यहाँ कोई कह रहा है, कोई अधिकारी नहीं बैठा है, शिकायत किसी के पास होनी नहीं है इसकी। सर नरेश नांदल, डिपो प्रधान, मैनेजमेंट स्टाफ। जी बताएं प्रधान जी, कल की मीटिंग के बाद? सर कल की मीटिंग का तो आप सभी ने पता भी है, हमारे तालमेल कमेटी बुलाई थी सरकार ने, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। हमारे दो ही मांगे, एक तो जो हमारे कर्मचारी पैसमा लगा रखी है सस्पेंड कर रखे हैं, और 700 जो निजी बसों पर हायर कर रही है गवर्नमेंट, उसको बंद किया जाए। अगर हमारी मांगे सर गलत हो, आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो हरियाणा में जो संगठन
इतने गांव के आदमी पंचायतें हमारे समर्थन में क्यों आते हैं, घर मांगे गलत होती तो हम सर बिल्कुल कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार बिल्कुल अपने फैसले को बदले और जन जो है अपना बहुत दुखी हो रहे हैं, गाँव के लोग शहर के लोग सभी दुखी हो रहे हैं, कर्मचारियों की मांगे मानते हुए और इसको कैंसिल करवा के और गाड़ी को पटरी वापस ले गए। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट। नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।